पुलिस की कार्रवाई एक ऐसा कार्रवाई है जिसको सुनते ही आधे से ज्यादा लोगों के खून का दौरा ठंडा पड़ने लग जाता है, एकदम से हाथ पैर फूल जाते हैं। जब पुलिस आपको किसी भी केस में इन्वॉल्व करना चाहती है तो उसमें आपके कुछ लीगल राइट्स होते हैं, पर अक्सर झूठे केसेस जब लगाए जाते हैं तो उन्हें बाईपास किया जाता है। क्यों किया जाता है उन लीगल राइट्स को बाईपास? जिससे कि वो आपको एक्सट्रॉट कर सकें, हैरेस कर सकें, और जिस गलत काम के लिए वो केस लगाया है वो केस लगेगा नहीं आप पे। उस झूठे केस की वजह से आपको पुलिस बिना कोर्ट के ही फैसला करवा दे थाने के स्तर पे, और इस हैरेसमेंट को करने के लिए अच्छी खासी मोटी रकम अक्सर करप्ट पुलिस ऑफिसर्स को मिलती है। ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स के तो एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं जो बहुत अच्छे केस सॉल्व करते हैं, और उनके वजह से ही आज भी कानून व्यवस्था में लोगों का काफी हद तक विश्वास है। पर अगर ऐसी गलत चीज आपके साथ होती है, आपके पास फोन आता है या गलत जांच में आपको बुलाया जाता है या किसी और दे, तो क्या है आपके लीगल राइट्स? किस तरह से आप बेनिफिट ले सकते हैं किसी भी तरह के झूठे केस के अंदर? आपको पता भी रहता है, अक्सर जिसके खिलाफ केस लिखा जाता है उसको पता भी रहता है कि हाँ मेरे खिलाफ झूठा केस हुआ है, मगर अब मैं इससे बचूं कैसे? तो ये यहां पर जो गलतियां पुलिस से होती हैं उनसे आप बच सकते हैं। तो आज ये जो सॉल्यूशन है ये इसी तरह का है। देखिए, इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं कि आप एजुकेटेड हो जाइए, और एजुकेटेड होने के लिए हम कुछ कोर्सेस चलाते हैं। मेन कोर्स जो है उसमें मैं और मेरी टीम मिलकर इसके अंदर आपको असिस्टेंस देते हैं, और ये असिस्टेंस इस तरह का नहीं होता है कि सिर्फ आपको गाइडलाइंस दे दी, काउंसलिंग दे दी, अपॉइंटमेंट्स दे दिए। इसके अंदर वो रेमेडीज होती हैं जिसकी सर्च में आप इस तरह के हमारे वीडियोस देखते हैं, रेगुलर देखते हैं, मेरे अलावा भी बाकी यूट्यूबर्स के देखते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है कि आपका एक रिसर्च कर रहा है, चल रहा है, मगर आपको एक टू द पॉइंट बात मिल नहीं पा रही है जो आपके केस के साथ रिलेट करे और उसका सोल्यूशन निकाले। यहां पर इसी तरह के वन स्टॉप सोल्यूशन मिलते हैं, यानी कि इधर आपको प्रॉब्लम आई उधर आपको सोल्यूशन मिल गया। और इसी का फायदा है कि आपसे पहले जितने भी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांग है, अपने केसेस को बेहतरीन तरीके से लड़ पा रहे हैं। मजे की बात यह है कि वो बहुत मजे से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, वो परेशान नहीं है अपने केसेस को लेके, या इरिटेटेड नहीं रहते, तकलीफ नहीं रहते हैं, भटकते नहीं रहते हैं। तो अगर आप इतने मजबूत कॉन्फिडेंस के साथ अपने केस को लड़ना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लें और उसके बाद आप हमसे संपर्क करें, आपको डिटेल के साथ कोर्स ज्वाइन करने का ऑप्शन मिलेगा। आप अगर इस वक्त किसी कानूनी समस्या का समाधान मुझसे चाहते हैं तो इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप बकायदा डिटेल्स ले सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे बात कर सकते हैं, सलाह देने में मैं भी आपकी मदद करूंगा। सीधे आज के मुद्दे पे आते हैं, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा पॉपुलर जो तरीका है वो ये है, पुलिस जब झूठा केस लगाती है तो वो सीधा फोन करती है, एक कॉल करती है आपको। अगर कॉल किया गया है तो वो इलीगल है। तो पहली चीज ये है, पूरी कोशिश कीजिए कि वो कॉल जो है आपका एक तो रिकॉर्डिंग पे हो जाए, दूसरा जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वो सारी बातें आपको पुलिस के साथ डिस्कस करनी है, जिससे कि आपके पास ऑन रिकॉर्ड एक सॉलिड एविडेंस प्रूफ हो सके, जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आपको कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो अब आप समझिए कि आपको जैसे ही कॉल आता है तो पहली बात दिमाग में रख लीजिए कि वो इलीगल है, इसलिए पुलिस के उसके कॉल से डरना कि ट्रू कॉलर पे दिखाई दे रहा है, पुलिस का फोन आ रहा है, या फिर आपको जैसे ही फोन आया आप टालने लग गए, घुमाने लग गए, कहीं बैठा हूं, बात नहीं, बात कीजिए, प्रॉपर बात कीजिए, अटेंशन के साथ बात कीजिए। क्या बात करनी है वो सुनिए। पहली चीज, पुलिस आपको कहे कि हाँ आपके खिलाफ एक केस है, आपने कहा क्या जानकारी है वो बताइए मुझे। ये जैसे ही वो बताने लगेगा तो जनरली वो मना कर देगा। इसके बाद आपका पहला क्वेश्चन, अभी तक मैंने ये क्वेश्चन नहीं था, ये तो एक चाल थी, सीधा उसका नाम पूछिए, आपका नाम क्या है, बार बार पूछिए। वो कितना ही टालेगा, थाने आ जाओ बता दूंगा, तुम्हें क्या करना है नाम जान के, क्यों क्यों जानना है नाम, बोले आप मुझे नाम बताइए, बिना उसके मैं आपसे बात नहीं। नाम किसी तरह से आपने जान लिया, उसके बाद आपको केस की डिटेल जाननी है। केस की डिटेल से क्या फायदा होता है? देखिए, केस की डिटेल लेने से ये फायदा होता है, एक तो आप भी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि केस सच्चा है या नहीं है, एविडेंसेस के साथ लगाया है नहीं लगेगा। दूसरा, उस पार्टी का नाम पता लग जाता है। कई बार होता है आउट ऑफ द कोर्ट या आउट ऑफ द पुलिस स्टेशन आप सेटलमेंट कर सकते हैं उस पार्टी से, गुंजाइश होती है, कई बार भड़काने में गुस्से में आ जाती है,
पर फिलहाल ये सब बातों से ये होता है कि आपको एविडेंस का पता लग जाता है कि आपके खिलाफ कोई एविडेंस है भी या नहीं है। कई बार गोलमोल जवाब भी मिलेंगे, तो इसलिए इतना नेगेटिव ना हो, इसमें सॉल्यूशन है, क्योंकि पुलिस का आपको इस तरह से फोन पे बुलाना ही गलत है। अब इसमें एक अटेम्प्ट और करती है पुलिस, जब लगता है कि आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, स्ट्रांग दिख रहे हैं, तो वो क्या करती है, आपके घर आना शुरू कर देती है। दो तीन पुलिस वाले लेके आएंगे, आपके घर के अंदर घुस जाएंगे, आपके बीवी बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, परिवार वालों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो उस सिचुएशन को भी आसानी से हैंडल करना है। पहली बात तो अक्सर इस तरह से, मैंने जो अपने अनुभव से बता रहा हूँ, कई बार देखा है, मेरे पास तो लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग्स तक भेजी है, कि जबरदस्ती घर से खींच के भी ले जाने की कोशिश करते हैं, जो कि इलीगल तरीका है। तो वहां से अगर आप फरार भी हो गए, तो आप में कोई फरारी का केस नहीं बना पाएगी। क्यों? क्योंकि पहले उन्हें इस बात का एविडेंस देना पड़ेगा कि आपने क्राइम किया है। सिर्फ एफआईआर में किसी के लिखवा देने से, बोल देने से बात तय नहीं होती, वो एविडेंट होना चाहिए, वो एविडेंस के साथ होना चाहिए। तो कई लोग कई बार सलाह भी लेते हैं वकीलों से, तो कई बार वकील भी है ना नौसिखिए तरीके से ये बात बोल देते हैं कि नहीं, आपके ऊपर फरारी का केस लग जाएगा, भागो मत, पुलिस का सहयोग करो। नहीं साहब, आप चले जाइए, उसके बाद एक पुख्ता तरीके से तैयारी कीजिए, एंटीसिपेटरी बेल वगैरह के बारे में सोचिए, अगर इतने ही अटैम्प पुलिस कर रही है तो। दूसरी चीज, पुलिस की शिकायत भी कीजिए आला अफसरों से कि देखिए, एक तो आपकी पुलिस मुझे डायरेक्ट फोन कर रही है, दूसरी आपकी पुलिस डायरेक्ट मेरे घर पर आ रही है बिना किसी नोटिस के, सर्च वारंट के मेरे घर में आकर सर्च भी कर रही है। अगर सर्च वारंट के बगैर पुलिस ने आपकी तलाशी ली है घर में, और आपने अगर उसका किसी सीसीटीवी फुटेज या वीडियो फुटेज आपकी फैमिली मेंबर्स ने बना लिया, उनको सिखा के रखिए, बिना डरे उनकी रिकॉर्डिंग बना दे, पर आप वहां ना रहे, आपका नाम ले लेकर वो बोलेंगे भी कि वो कहाँ है, मुझे बताइए, मिलाइए, तो घर वालों को थ्रेटनिंग भी देंगे। ये चीज सब चीज होने के बाद आपको, अगर मान लीजिए इस तरह के इलीगल अटेम्प्ट पुलिस नहीं कर रही है, तो 41A का जो नोटिस है ना, वो 41A का नोटिस उनसे मांगिए। कब? एक बार ध्यान रखिएगा, ये चाल आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि इलीगल केसेस में पहली बात तो पुलिस 41A के नोटिस को देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहती, पर किसी तरह से आप तो सिर्फ इतना कहिए कि नोटिस दीजिए। अब ये कब मांगना है आपको? ये मांगना है आपको कम से कम 15-20 दिन बाद, क्योंकि 14 दिन की गाइडलाइंस है, 14 दिन के अंदर अंदर पुलिस आपको नोटिस दे सकती है, और ज्यादातर लीगल केसेस में देती है। और जब फर्जीवाड़ा करना होता है तो फिर वो कभी नोटिस नहीं देती, तो उनको उनके ट्रैप में फंसाइए। उससे ये होगा कि जो मैं लास्ट में बताऊंगा कि पूरी एफआईआर क्वैश होगी, ये सारे एलिमेंट्स उसी तरह से हो रहे हैं। अब अगर ऐसा होता है, आपने कंप्लेन भी डाल रखी है, 41A का नोटिस भी नहीं दिया, और लेट आपको 41A का नोटिस दे रही है, तो वो भी आपके कहने पर दे रही है, सब कॉल्स के आप रिकॉर्डिंग बनाइए, पर पुलिस स्टेशन मत जाइए, डरने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि जब तक वो इलीगल काम कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डायरेक्ट दबाव नहीं बना सकते। इन बातों को जनरली लोग क्या करते हैं, बहुत हल्के में ले जाते हैं। एक रोजनामचा होता है जिसे डेली डायरी बोलते हैं, डेली डायरी जो होती है उसके अंदर बकायदा सब चीजों के रिकॉर्ड बनते हैं। आपको कॉल किया गया, आपको तफ्तीश के लिए बुलाया गया, आपसे इन्वेस्टिगेशन में सहयोग के लिए मांगा गया, आपको 41A का नोटिस सर्व किया गया, आपके घर पे जाया गया। और ये जितने इलीगल काम किए जाते हैं ना, कि आपके घर पे आ जाना, आपको कॉल करना, ये ऑन रिकॉर्ड नहीं होते। और अगर रोजनामचे में पुलिस ने अपनी कार्रवाई नहीं चढ़ा रखी है, तो आपके हाथ में, दोनों हाथों में लड्डू दे रही है पुलिस। आपको पुलिस को लपेटना है, आप लपेटे में आ जाते हैं डर के कारण। यहां से आगे जो बात बढ़ती है वो ये है कि कई बार पुलिस 160 का नोटिस भी दे देती है, 160 CRPC, वो ये है कि हम सिर्फ आपसे पूछताछ करने के लिए बुला रहे हैं, तब भी संभल कर जाएं। बिल्कुल, आप चाहें तो बकायदा आला ऑफिसर जो है उनकी ईमेल आईडीज पर ये मेल डालेंगे, मैं जांच में सहयोग करने आपके थाने में पुलिस के द्वारा बुलाए गए नोटिस पर जा रहा हूं इस डेट पे। उससे ये होता है कि कल को गलती से आपको गलत गिरफ्तारी कर लेते हैं, या जबरदस्ती आपको थाने में कब्जा कर लेते हैं, तो आपके घर वाले पीछे से जाकर ये चीज बता सकते हैं कि देखिए आपके पास मेल भी आया था। आगे आप जब बढ़ते हैं, तो इसमें अब जो मैं बताने जा रहा हूं, ये सब कार्रवाइयां झूठी होने की वजह से आपको बेनिफिट ये मिलता है, आप गलती से मान लीजिए पुलिस आपको पकड़ने भी आ गई, उस बुरी से बुरी परिस्थिति में भी आप फरार हो गए, पुलिस के सामने खड़े खड़े फरार हो जाएं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ ओपनली, इसमें कोई इलीगल बात नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इलीगल तो वो आपके साथ करने आ रहे हैं कि आपको जबरदस्ती गिरफ्तार करके अंडर प्रेशर लेके और हैरेस करेंगे, क्योंकि पुलिस कस्टडी में बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं, घायल हुए हैं, तो प्रिवेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास ये ऑप्शन है, आप फरार हो रहे हैं इलीगल केस में, लीगल केस में नहीं हो रहे हैं, इलीगल केस आप पे बनाया जा रहा है जिसका खुद रिकॉर्ड। जहां से अब मैं बखिया उधेड़ना शुरू करता हूं, देखिए पहली बात तो पुलिस ने आपको कॉल किया, वो ऑन रिकॉर्ड नहीं होता है, क्योंकि डेली डायरी में उसका रिकॉर्ड होता है। जी हाँ, आप अगर इस तरह के केसेस के खिलाफ जा रहे हैं, तो डेली डायरी आप चेक करवा सकते हैं, कोर्ट से मंगवा सकते हैं, कोर्ट को कहें कि चेक करें क्या आपने आला ऑफिसर को शिकायत की।